वर्षा होते ही देखते हो कीट पतंग कितने कहां से आ जाते हैं, होंगे ना वहां तभी आए, नहीं तो कहां से आएंगे। इसी प्रकार से इन कुसंस्कारों का हाल है, ये कुसंस्कार हमारे चित्त में इस प्रकार से पड़े हुए रहते हैं, मात्र अवसर ढूंढते हैं कब अवसर मिले और हम अपना काम दिखाएं। इनका काम आप तो कहते हो ना, आज सुबह ध्यान बहुत अच्छा लगा था, आज सुबह की रामायण जो थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पढ़ने को लगी, इस वक्त कुछ मजा नहीं आया, मानो कोई कुसंस्कार आड़े आ गया है, कोई कुसंस्कार जागृत हो गया है, पड़ा हुआ था अवसर ढूंढ रहा था, आज उसे मौका लगा है, आज उसने अपना काम दिखा दिया है, डेढ़ घंटा बर्बाद करके रख दिया, कुछ पल्ले नहीं पढ़ने दिया, क्यों, कोई कुसंस्कार आपके आड़े आ गया। मंत्रारूपी कुसंग ने कैकेयी की मति को विकृत कर दिया है, बिगाड़ के रख दिया है, आगे का काम मंथरा नहीं कर रही, कैकेयी कर रही है, और वह कहती है मेरी जबान तेरे मुख में है कैकेयी, रात को करेंगे चर्चा है इसके आगे, अब यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद। कभी कभार जाने अनजाने हमसे इस प्रकार की बात हो जाती है जिससे दो व्यक्तियों में दूरी हो जाती है या हो जाए, कभी प्रयास भी होता है कभी अनायासी हो जाता है, दो व्यक्तियों में जब दूरी हो उस वृत्ति को मंत्र कहते हैं। किसी भी ढंग से हो, आप मुख से लिख के करें, मुख से कहें, बात थोड़ी सी तोड़ मोड़ के इस प्रकार से करें, समझ लीजिएगा कि इस वक्त मंत्रा सक्रिय है। भक्तजनों, जैसे ही मंत्रा आती है तो राम दूर चले जाते हैं, अभी देखा ना आपने मंत्रा का आगमन हुआ, कैकेयी के हृदय में मंत्रा ने निवास कर लिया है तो राम दूर चले गए हैं, दशरथ से भी दूर चले गए हैं, उनके हृदय में भी किसी ना किसी प्रकार की मंत्रा ने प्रवेश किया हुआ है, वह काम कही होगा कुछ कहिएगा पर कुछ ना कुछ तो उनके हृदय में भी हुआ हुआ है जो राम को दूर कर देता है। थोड़ी देर में समय लगा तो करेंगे थोड़ी इस बात की चर्चा, अभी मंत्रा को ही समझते हैं। भेद बुद्धि है ये, द्वैत बुद्धि है ये, यदि हमारा राम हमारा घर एक है, हम एक ही की संतान हैं, तो फिर दो कहां से आ गए। द्वैत बुद्धि पैदा करती है ये मंत्र, अपना अपना है पराया पराया है, अरे अपने ही काम आते हैं, इसलिए तो भक्त की बात सोच, ये राम ने काम नहीं आना, ये कुशल्या ने काम नहीं आना, अपने ही काम आएंगे, जैसे मैं तेरे काम आ रही हूं, देख किसी ने आके तुझे कोई आके सलाह अच्छी नहीं दी, किसी ने आके तुझे बताया नहीं, मैं तेरी अपनी हूं, मैं तेरी अपनी ही काम आई हूं, अपने मायके से लेके आई हुई है मंत्रा को, कैकेयी साथी लेके आएगी, और कोई नहीं लेके आया दासी, लेकिन ये दासी साथी आई हुई है, परमेश्वर ने कोई विशेष काम जो लेना होता इससे, ये ना होती तो शायद रामायण चलती ही ना, खत्म हो जाते। सुमंत्रा की भूमिका भी बड़ी आवश्यक भूमिका है, भगवान ने कोई चीज निरर्थक बनाई ही नहीं है देवियों सज्जनों, कुछ भी देख लो आप, हर एक का किसी का किसी ना किसी ढंग से मतलब है। मंत्रा ना आई होती कैकेयी के जीवन में तो रामायण ठप हो गई होती, रामायण चलती ना आगे, बस जितनी है पर्याप्त है। मंत्रा आ जाती है कैकेयी के जीवन में, द्वैत भाव पैदा करती है, लड़ाई झगड़ा पैदा करती है, आपस में दूरी बना देती है ये मंत्रा। ये मंत्रा ऐसी ही वृत्ति है, हमारे अंदर भी कभी ना कभी आई रहती है। जब हम काम किया करते थे तो बहुत अच्छा काम होता था, अब औरों ने करना शुरू कर दिया है, हमें उनकी सहायता देने की आवश्यकता नहीं है, जब ना सहायता मांगने की आवश्यकता है ना सहायता देने की आवश्यकता है, तो समझ लीजिएगा साधक जनों कहीं ना कहीं मंत्रा काम कर रही है। स्वामी जी महाराज भी ये सोचें, मैंने अनेक वर्ष अमुक स्थान पर बिताए हैं, इसलिए
मेरा उसी स्थान के सब साथ ही सब कुछ है, बाकी स्थान मेरे लिए कुछ नहीं है। तो ये स्वामी जी महाराज को बिल्कुल शोभा नहीं देता। और स्वामी जी महाराज ऐसा कर ही नहीं सकते, क्यों? उनकी तो मंत्रा मर गई हुई है और हमारी मंत्रा अभी जीवित है। ये बातें हम तो सोच सकते हैं और हम सोचते ही हैं, हम करते भी हैं ऐसी बातें। ये अपने पराये का सिलसिला तो हम बना के रखते हैं। मध्य प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, पंजाब के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं। अब जब से दिल्ली वालों ने काम संभाला है, हमें कोई सहायता करने की इनकी आवश्यकता नहीं। और मीन में एक निकालेंगे ताकि ये सिद्ध कर दिया जाए, जब हम करते थे तो बहुत अच्छा काम होता था। समझ लीजिएगा भक्तजनों, आप जितने मर्सी बड़े हो, समझ लीजिएगा उस वक्त मंत्रा काम कर रही है ना, मंत्रा काम कर रही है, सक्रिय है। आप भले ही ऊपर से बहुत जाप पाठ इत्यादि करने वाले हैं, पर कभी ना कभी जब ये वृत्ति आ जाती है तो समझना चाहिए कि मंत्रा भीतर सक्रिय हो गई है, मंत्रा हमारे जीवन में आ गई है। आज सुबह अर्ज करी थी आपसे, राजमहल में रोज कथा होती है, महर्षि विशिष्ट सारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको या जितने भी राजमहल में रहने वाले हैं, राज परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सब रोज महर्षि विशिष्ट से कथा सुनते हैं। और कथा महर्षि विशिष्ट द्वारा सुनाई हुई कोई साधारण कथा तो नहीं। एक और अत्यधिक प्रेम है, दूसरी ओर उच्च कोटि का त्याग है। अभी आपने ये चित्र देखा,